जो औपचारिकताएं होती है वो पूरी। और नीतीश हमारे सहयोगी इस वक्त राजभवन में ही मौजूद है। नीतीश से जानते हैं कि अब सीएम योगी का भी इंतजार चल रहा है, ये पत्र हमने देख लिया है राज्यपाल के हाथों में। नीतीश, निश्चित तौर पर स्नेहलता, जो पत्र आपने देखा है वो अंदर प्रेषित किया गया है और कुछ ही क्षण शेष है और ये जो क्षण हैं इनकी ये गवाही, ये जो लाल बत्ती की जो गाड़ियां, ये प्रशासन की गाड़ियां और ये पुलिस की गाड़ियां जो दे रही हैं कि कुछ ही क्षणों में यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आएंगे और वो भी इस जो पत्र है इसको प्रेषित करने के बाद जो अनुमति है उसको प्राप्त करेंगे। तो राजतिलक से एक दिन पहले जो औपचारिकताएं हैं बिल्कुल वो पूरी बिल्कुल कर ली जाएंगी जिसका जिक्र और चल रहा है उन्हीं औपचारिकताओं के मद्देनजर कई सहयोगी हमारे लगातार जुड़े हुए हैं जो कई एंगल से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। चलिए हम रुक कर लेते हैं रतीश का। रतीश, आप कहाँ पर खड़े हैं और क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए सुबह से ही जिस तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था वो अब से कुछ देर पहले राजभवन में तमाम लोग पहुंच गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ का जो काफिला था वो राजभवन के ठीक सामने से गुजरा और 5KD की तरफ चला गया, लेकिन उसके ठीक बाद तमाम गाड़ियों का काफिला आया जिसमें दोनों डिप्टी सीएम रहे उत्तर प्रदेश सरकार में केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री रहे सुरेश खन्ना और एनडीए के सहयोगी संजय निषाद और आशीष पटेल रहे, रघुवर दास जो सह पर्यवेक्षक हैं उत्तर प्रदेश के वो रहे। ये सभी लोग 8 लोग कुल मिलाकर के राजभवन के अंदर गए। आपको तस्वीरें दिखा दें राजभवन की, इसी गेट से वो अंदर गए, लेकिन मुख्यमंत्री फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं है। मुख्यमंत्री की बात की जा रही है कि वो कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का काफिला इनके आने के पहले ही 5KD की तरफ गया। 5KD और जो दावा पेश करने का पत्र होता है वो जरूर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दे दिया गया है। अभी फिलहाल अंदर बातचीत मुलाकात चल रही है, जो कागजी कार्रवाई होती है वो सौंप दिया गया है, प्रेषित कर दिया गया है पत्र, लेकिन हलचल बढ़ी हुई है और इंतजार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है जो कल शपथ लेंगे, उत्तर प्रदेश की दूसरी बार शपथ लेंगे। ये पहले माना गया था कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे योगी आदित्यनाथ सीधे राजभवन आएंगे, लेकिन वो 5KD की तरफ उनका काफिला जो बहुत ही नज़दीक है यहाँ से वहाँ पर गया और अब इंतज़ार योगी आदित्यनाथ का है जो जब राजभवन वो पहुँचेंगे। फिलहाल अमित शाह के साथ वो 5KD की तरफ गए हैं और बाकी जो अधिकारी, जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राजभवन में, राज्यपाल के साथ बातचीत कर रहे हैं, आनंदीबेन पटेल के साथ बातचीत हो रही है और इस बाबत NDA के जो सहयोगी हैं आशीष पटेल हैं, संजय निषाद हैं, वो भी यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल रतीश, तो आप नजरें बनाए रखिएगा क्योंकि अब इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, और कल शपथ लेने के बाद तमाम औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी और योगी 2.0 जिसका जिक्र चल रहा है वो हमारे सामने हो